हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज तीज की आप सबको शुभकामनाएं। और आज मम्मी ने एक ड्राई फ्रूट लड्डू बनाए हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स मेरे को नहीं पता है, एकदम एक भी चीज़ नहीं पता है। तो चलो वीडियो में देखते हैं कैसे कैसे उनने बनाया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अंश ने आज इंट्रोड्यूस दे ही दिया है कि मम्मी ने ड्राई फ्रूट का लड्डू बनाया है। ये आप लोग देख ही सकते हैं, तो लास्ट में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है। इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं उसकी मैं आपको बताती हूँ। खाने में ही बहुत अच्छे हैं, हड्डियों के दर्द के लिए, ये हेयर की ग्रोथ के लिए भी, और बच्चों की ग्रोथ के लिए, और अगर आप 30+ लेडीज़ हैं तो आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैंने ये लिया है 200 ग्राम के करीब बादाम, और 200 ग्राम ही काजू है, और ये 200 ग्राम ही जो है अखरोट है, जो इसको फोड़ा हुआ है, निकाल दिया गया है। तो इसमें और ये है थोड़ा सा, मैंने लिया है खरबूजे का बीज, थोड़ा नारियल और थोड़ा गोंद जो होता है हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है सोर्स। और ये है हमारा मखाना, मखाने में कैल्शियम बहुत अच्छा मिलता है, और थोड़ा सा है वाइट तिल, थोड़ा सा खसखस है, और ये ब्लैक वाला चिया सीड है, आपकी बार मुझे नहीं मिला था, और ये थोड़ा सा है अलसी। ये सब जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सब प्रोटीन्स के सोर्सेज हैं, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और मैं इसको बनाऊंगी जैगरी के साथ, ये गुड़ था मेरे पास, हम लोग इसको गुड़ बोलते हैं, तो उसी के साथ बनाऊंगी। तो जो बिना घी के भूनना था, जैसे वाइट तिल हो गया और फ्लैक्स सीड हो गया, तो उसको मैंने ऐसे ही भून लिया है। इसके बाद मैंने थोड़ा घी डाला, घी थोड़ा नहीं, 1 बड़ा स्पून जाएगा, और हाफ हाफ करके सबसे पहले मैंने गोंद को फ्राई किया, क्योंकि गोंद में ज़्यादा घी लगता है जिससे वो फूलता है बहुत अच्छे तरीके से। इसी तरीके से एक एक करके मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जो थे, जो मैंने आप लोगों को दिखाया, उनको मैंने गोल्डन हल्का होने तक का फ्राई कर लिया है। तो ये सारे फ्राई करने के बाद इस तरीके से हो गए हैं, मखाना भी मैंने लास्ट में फ्राई कर लिया है। अब मैं इन सब का पाउडर बनाने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैंने इन सब का पाउडर बना लिया। मैं आपको एक टिप बताती हूँ, अगर आपका सारा चीज़ नहीं पिसता है एक साथ, जैसे खसखस वगैरह, तो आप मखाने के साथ थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे तो अच्छे से पिस जाएगा। और फिर मैंने उसी मिक्सर जार में, क्योंकि थोड़ा लगा हुआ था, हम इंडियन फैमिली हैं तो उसको हम वेस्ट नहीं कर सकते, उसी में पानी डाल के फिर उसी में गुड़ डाल के जो है डाल दिया। ये बॉयल हो रहा है अच्छी तरीके से। इसमें मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब डाला है इलायची पाउडर, और ये है वाइट सौंठ का पाउडर। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और बना रही हैं तो आप इस सौंठ को और अलसी के सीड को स्किप कर दीजिए, और अगर प्रेगनेंसी, जैसे माँ बन चुकी हैं, बच्चा हो चुका है, तब तो आप सौंठ भी डालिए और अलसी भी डालिए, आपके लिए फ़ायदा करेगा, आपके ब्लड को क्लीन करने में बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद मैंने हल्का सा गर्म किया, थोड़ा सा चिपचिपा सा हो गया जिससे मेरे लड्डू बन जाए। हम लोग थोड़ा मीठा कम ही खाएंगे, लेकिन अगर मीठा नहीं डालेंगे तो ये बनेगा नहीं, और इसीलिए मैंने थोड़ा ही डाला था। थोड़ा ड्राई फ्रूट और खरबूजे का बीज मैंने निकाल के रख लिया था भुनने के बाद, जिससे मैं इस मिक्सर में डालने वाली थी, इसमें वो दिखेगा एक एक तो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो मैं इसको गरम ही है अभी थोड़ा, तो गरम गरम ही मिक्स करना पड़ेगा और गरम गरम ही लड्डू बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने इसको गरम गरम मिक्स किया, इसके बाद मैं इसको बनाऊंगी। अगर आपका बच्चा स्कूल वगैरह जाता है, खेलता है, क्योंकि 5 से 6 घंटे बच्चे बिताते हैं, अगर आप लंच बॉक्स में एक लड्डू दे देते हैं और अगर वो खा लेता है तो उसके पूरे दिन भर का प्रोटीन्स उसको मिल जाएगा। तो मैंने सारे लड्डुओं को बना लिया है, इस तरीके से लग रहे हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी हेल्थ को नुकसान करेगा, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। और चाहे आप इसको बड़े हैं खाएं, चाहे बूढ़े हैं, बूढ़ों के लिए जिनकी एज हो चुकी है 30 के ऊपर हो चुकी है, जैसे हम जैसे औरतें हैं, उनके लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। हड्डियों में दर्द वगैरह नहीं होता है, एक खा लीजिए, ऐसे भी खा सकते हैं, नहीं तो दूध के साथ ले सकते हैं,
ये बहुत टेस्टी भी होते हैं खाने में। हम लोग तो थोड़ा मीठा कम ऐड करते हैं, अगर आप ज़्यादा मीठा ऐड करते हो तो थोड़ा आटा भी भून के इसमें डाल सकते हो, चाहे वो चावल का आटा हो चाहे वो नॉर्मल गेहूं का भी जो आटा होता है उसको भी घी में लेकिन अच्छी तरीके से भून के फिर डालिए। मैं सिर्फ ड्राई फ्रूट का बनाती हूँ क्योंकि मुझे मिक्स मतलब मीठा कम डालना होता है। सो गाइस, रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना, और अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट में लिखना रेसिपी ओपी, और चाहिए तो सेम कमेंट लिख देना आप। मम्मी पक्का अपलोड करेंगी, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलना जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए, और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।